हे गाइस, मैं हूं सुमित और आज हम फिर लेके आए एक यूनिक गैजेट जो कि हमारा म्यूजिक एलईडी बल्ब, जिसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग और जानेंगे क्या है इसके स्पेसिफिकेशन। तो चलिए वीडियो जोर से शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, जैसा कि हमारे पास ये है इसका बॉक्स एलईडी, इस पर ऊपर की तरफ मेंशन किया है ब्लूटूथ म्यूजिक बल्ब और कुछ इसके कलर वेरिएंट्स हैं। साइड में देखें तो वो रेड कलर की है, तो बाकी पीछे की तरफ हमारा कुछ स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे कि इनपुट इसका 100 to 240 volt तक है और टोटल पावर इसमें 7 volt का है। एलईडी बल्ब की पावर जो है कि वो 6 volt की है, स्पीकर पावर वो की जो कि 3 volt की है और फ्रिक्वेंसी की 135 hertz है। ब्लूटूथ वर्जन ये 3.0 है और सपोर्टेड कॉन्फ़िगरेशन A2DP है। तो इसमें लाइट एलईडी लाइट कलर भी बता रखा, वाइट और वॉर्म वाइट, और इसके कुछ नीचे कुछ वेरिएंट्स कलर वेरिएंट्स है जो। तो चलिए बिल्कुल दोस्तों, हम जल्दी से शुरू करते हैं इसको, देखते हैं इनसाइड बॉक्स के इनसाइड क्या है। पहले हम इसे चेक करेंगे। तो गाइस, जैसा कि हमारे बबल रैप में आता है, तो बॉक्स को हम साइड में रखते हैं। ये बबल हमारे साथ बबल रैप में है, तो हमें इसे खोलते हैं। तो गाइस, ये जैसा कि आपको दिख रहा है, ये काफ़ी शानदार सा लुक है इसका, वाइट कलर में जो कि हमें प्रोवाइड किया गया है। और इसकी वेट की बात करूं तो ये ना ज़्यादा लाइट वेट है ना ज़्यादा हैवी है, एक नॉर्मल सा है ये मतलब। तो हम इसे भी रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो बॉक्स के अंदर हमारे सिर्फ एक RC रिमोट है, जिसमें कई सारे हमारे LED, जैसा कि हमारा LED स्ट्रीप LED आता है, उसी तरह कुछ है ये इंटरफेस का बना हुआ। बाकी इसका भी हम यूज़ देखेंगे क्या है क्या इसमें यूज़। तो चलिए हम इसे साइड में रखते हैं और बल्ब को निकाल के देखेंगे इसमें क्या है। गाइस, जैसा आप देख रहे हो, नीचे की तरफ 3 वॉट का स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर है, और साइड में हमारा RGB लाइट जो कि हम इसे LED लाइट भी कह सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे होल्डर में नॉब भी दे रखा है, हमें इसे कन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे ऐसे म्यूजिक LED म्यूजिक बल्ब आ रहे हैं जिसमें राउंड शेप के होल्डर लगे रहते हैं जो कि हमें कन्वर्टर के थ्रू उसे कन्वर्ट करना पड़ता है होल्डर में। तो गाइस, का आपने लुक देख लिया, चलो ये जल्दी से हम इसे ऑन करके देख लेते हैं कैसा इसमें लाइट जलता है। गाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसे माउंट कर लिया है होल्डर से, अब इसे हम बटन ऑन नहीं कराया, मैंने बटन ऑन करके देखते हैं। गाइस, जब हमने बटन ऑन करा तो इसमें से आपने एक साउंड सुना होगा नोटिफिकेशन की, वो ब्लूटूथ की हमारी। तो अब देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे वाइट लाइट जल रहा है। इसकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो एफिशिएंट है। बाकी हम इसे ब्लूटूथ में चेक कर लेते हैं कि किस नाम से आया। ब्लूटूथ ऑन करते हैं, देखते हैं किस नाम से आया। तो हमारा BT स्पीकर शायद आ रहा है, या W, आई थिंक W ही आई है। इसे हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, WEI से कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा ये कनेक्ट हो चुका है, तो हम पहले इसमें म्यूजिक चला के देखते हैं ये। तो गाइस, मैंने इसे अपने फुल वॉल्यूम पर रखा है इसे, तो आप इसका साउंड चेक कर सकते हो। मुझे तो ज़्यादा ही नॉइजी लग रही है।
तो गाइस जैसा कि आपने देखा इसकी साउंड जो है वो काफ़ी सफिशिएंट सी है। मैंने एक्सेप्ट नहीं करा शायद 3 वॉट की इतनी शायद वॉल्यूम देगा आपको, शायद इसमें फ़ोन में सुनाई नहीं दे रहा होगा, हमारी रिकॉर्डिंग में सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसकी आवाज़ सफिशिएंट है बाय वन रूम के हिसाब से, एक रूम के हिसाब से आवाज़ जो है ना वो सफिशिएंट है। तो इसकी म्यूज़िक हमने चेक कर लिया, अब इसके रिमोट को चेक कर लेते हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, से निकाल लेते हैं और बाकी हम इसे चेक करते हैं। फर्स्ट इसके ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। तो जहाँ तक रिमोट की बात है तो वर्क सही प्रॉपरली कर रहे हैं, बाकी अब हम ऑन ऑफ भी करके देख लेते हैं, इसे ऑफ करके देखते हैं पहले प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ऑन करके देखते हैं। और बाकी हम कलर चेक कर लेते हैं इसका, गाइस रेड में तो ये काफ़ी रेड काफ़ी पसंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, रेड में काफ़ी यूनिक सा कलर निकल के आ रहा है। बाकी हम दूसरा चेंज करके देख लेते हैं, तो हमारा ग्रीन है, बाकी ब्लू है, फिर अगेन वाइट, देन ऑरेंज, लाइट ब्लू, पर्पल, फिर हम यहाँ पे हमारा जो दे रखा है फ्लैश पे, फ्लैश हम करके देख लेते हैं। तो गाइस ये फ्लैश में इसके लाइट ब्राइट हो रही है, फिर डार्क हो रही है, लाइट लाइट एंड डार्क मोड पे जा रही है। फिर हम हमारा नेक्स्ट है ये स्टॉप पे, स्टॉप पे क्लिक करके देखते हैं क्या दिखाते हैं। स्टॉप पे गाइस हमारा ये लाइट चेंजिंग मोड है, बाकी हम फेड है, फेड भी चेक कर लेते हैं। फेड पे ये स्लो मोशन में स्लो लाइट ब्लिंक कर रहा है, अलग अलग लाइट चेंज करके ये मोशन डिटेक्ट कर रहा है। बाकी स्मूथ है, स्मूथ भी कर लेते हैं, स्मूथ में तो स्मूथ में ये ब्राइट लाइट करके हमारे ब्राइट मोड दे के लाइट चेंजिंग होते हैं। बाकी हमारे पोज एंड प्ले बटन भी है, बाकी इसके भी हम चेक कर लिए, तो मैंने यहाँ पे पोज कर रखा था, प्ले कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे प्ले था, मैंने पोज करा, फिर पोज हो गया गाइस, मैंने पोज करा, इसकी तरफ फेस करके करना पड़ रहा है, तो मैंने साइड में करके देखते हैं। नो गाइस इसकी तरफ फेस करके रिमोट को हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं या लाइट इसकी चेंज कर सकते हैं। तो बाकी हमें फिर से ये पॉज मोड पे हम प्ले कर लेते हैं अगेन। गाइस में वॉल्यूम अप एंड डाउन का भी, गाइस अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो फुल वॉल्यूम पे आप सुनना, क्योंकि ये मीडियम वॉल्यूम पे काफ़ी लो साउंड कर रहा है, तो हम इसे फुल वॉल्यूम कर देते हैं। तो गाइज ये फुल वॉल्यूम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो गाइज मैं बात करूँ अगर इसकी एलईडी बल्ब की, तो आप देख सकते हो किसी भी आप रूम में या किचन में या कहीं भी आप इसको माउंट कर सकते हो, बाकी आपका देख लेना आप कहाँ पे माउंट करना चाहते हो, जहाँ म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, जहाँ पे आपको नीड है इसका वहाँ पे आप इसे लगा सकते हो कहीं भी, तो वैसे भी इजीली माउंट हो जाएंगे अगर इसे नॉर्मल होल्डर में। गाइस ये पर्टिकुलर बल्ब की बात करें तो हमें मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा इस प्राइस सेगमेंट में, इसे मैंने अमेजोन से 400 का परचेस किया। अगर आपको भी ये बाय करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और बाकी आप इसे कहीं भी यूज़ में ले सकते हो, और म्यूज़िक और एलईडी बल्ब और आरजीबी का तीनों एक साथ इंजॉय ले सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। तो गाइस ऐसे ही आपको और अगर मज़ेदार वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए लेके आए और भी मज़ेदार गैजेट्स। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।